चलिए दोस्तों, आज मैं बताता हूँ कि टेली में कैसे आप चेक रजिस्टर को देखेंगे। जैसे आप सेल और परचेज रजिस्टर देखते हैं, वैसे ही आप चेक रजिस्टर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप पूरे जितने साल जितने महीनों तक का आप चेक रजिस्टर देखना चाहते हैं, जितने भी एंट्री है आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आप सबसे पहले गेटवे ऑफ डेली में, यहाँ पर देखिए गेटवे ऑफ डेली में। इसके बाद आपको जाना कहाँ पड़ेगा, ये देखिए बैंकिंग यूटिलिटीज़ में बैंकिंग है। बैंकिंग में जाने के बाद आपको यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ यहाँ आप चेक प्रिंटिंग कर सकते हैं। यहाँ चेक रजिस्टर है, यहाँ रिक बैंक रिकनसाइल डाटा, मतलब आप कितने रिकनसाइल किए हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था रिकनसाइल कैसे करना है, वो है। तो चलिए यहाँ पर सबसे चेक रजिस्टर में जाना है। चेक रजिस्टर में जाने के पास आपके जितने भी बैंक हैं उसका लेज़र खुल जाएगा, लेकिन जिसमें आपने ज़्यादा आपको जिसमें ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन किए हैं आप उसमें जाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। तो ऐसे ओरिएंटल अब बैंक ऑफ कॉमर्स में गया, अब इसके अंदर मैं गया, यहाँ पर रिकनसाइल 1947 और रिकनसाइल 65, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ रिकनसाइल, अगर रिकनसाइल रिकनसाइल इस तरह से, और यहाँ पर क्या है ये पूरा, यहाँ इस तरह से यहाँ पर इंस्टेंट नंबर है, चेक नंबर, यहाँ वाउचर नंबर है। तो इस तरह से आप यहाँ पर से वाउचर नंबर को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब मान लो चाहे कोई किसी एक पर्टिकुलर वाउचर नंबर को चेक करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक पर्टिकुलर, इसमें बहुत है, लगभग कितना डाटा, 1995 डाटा है। तो इसमें से कोई एक चेक नंबर को ढूंढना आसान नहीं है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, किसी एक चेक नंबर को ढूंढना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने कीबोर्ड से Alt F12 प्रेस कीजिए। Alt F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, आप चेक नंबर वाउचर नंबर में है, तो यहाँ पर से आप क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट नंबर। इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या होता है, वाउचर नंबर ही होता है। तो वाउचर नंबर में ही यहाँ पर आप जा सकते हो, इंस्ट्रूमेंट नंबर डालेंगे। इंस्ट्रूमेंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एज ए एम टी, एज ए ग्रेटर, एज ए इक्वल टू, मैं यहाँ पर इक्वल टू डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं कोई एक चेक नंबर डाल देता हूँ, जैसे 110586, ये देखिए, अब सर्च कर दूँगा। सर्च करने के बाद आपका क्या हो गया, यहाँ पर से ऐसा कोई भी रेंज नहीं है, तो वहाँ नॉट रेंज करके दिखा दिया। और अगर आप चाहते हैं तो इसी तरह से आप वहां से सर्च करके फ़िल्टर कर सकते, क्योंकि मैंने एक डमी चेक नंबर डाला था वहां पर। अब यदि इंस्ट्रूमेंट डेट, इंस्ट्रूमेंट सारी चीज़ आपको यहां पर से देख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप पूरे जितने भी चेक रजिस्टर वहां से कर सकते हैं, या फिर इसको आप क्या करेंगे, या फिर यहाँ पर से आप पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे, या रिकनसाइल को अलग कर लेंगे, स्टेट वाइज कर लेंगे, व्यू इटरेस कर लेंगे, चेक अरेंज कर लेंगे, या तो फिर बहुत सारा ऑप्शन है दोस्तों। Alt F12 फिर से प्रेस करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। वहाँ पर क्या है आपका, अमाउंट, अमाउंट से भी आप कर सकते हैं, लेज़र से भी कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं वाउचर टाइप, हमारा क्या है वाउचर नंबर में है, वाउचर नंबर, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर है, इंस्ट्रूमेंट डेट है, तो यहाँ पर हम जाएंगे इंस्ट्रूमेंट डेट में, और यहाँ पर कंटेनिंग में जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट नंबर में गए और यहाँ पर कंटेनिंग में गए। कंटेनिंग के बाद आपका क्या है कि 122171 को यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं हुआ, 122171 को जैसे कि सर्च करते हैं और इंटर करते हैं, तो क्या होगा आपका, इसमें नहीं ढूंढ पा रहा है। इस तरह से आप यहाँ पर करेंगे, क्योंकि वो चेक नंबर है नहीं, इसलिए है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक चेक नंबर को ढूंढ के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपका है, क्या है, यहाँ पर एक चेक नंबर है 1122175। तो यहाँ पर Alt F12 करेंगे, यहाँ Alt F12 करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, वाउचर नंबर मतलब इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट नंबर या तो लेज़र, यहाँ पर से आप नरेशन भी सर्च कर सकते हैं नरेशन में, तो आप अमाउंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर से आप क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट नंबर या फेवरिंग नेम यहाँ पर करेंगे, कंटेनिंग में चले जाएंगे, और क्या था आपका 1217 65, सॉरी यहाँ पर गलत एंट्री डाल दिया मैं, ये देखिए यहाँ पर आ गया 1217 65। तो इस हिसाब से इसको जैसे ओपन कर देंगे तो इस तरह से है, इसको मैं बैक कर देता हूँ। तो इस तरह दोस्तों आप चेक रजिस्टर में जाके पूरा चेक का रजिस्टर को आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं बैंक रिकनसिलेशन, तो अगर बैंक रिकनसिलेशन करना है तो आप यहाँ पर आएंगे, मैंने पिछले वीडियो में शॉर्टकट की बताया था, F5 प्रेस करके आप बैंक रिकनसिलेशन करना है। बैंक रिकनसिलेशन क्या होता है पिछले वीडियो में बता दिया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें हमने पहले से एंट्री कर दिया, हमने सेल परचेज जो भी है और पेमेंट रिसिप्ट
पेमेंट और रिसिप्ट हुआ उसकी एंट्री है, ये सब चार सारी चीज़ें पेमेंट और रिसिप्ट की, ये बैंक डेटा है। अब हम अपने बैंक का स्टेटमेंट पर डे का निकालेंगे और उसके हिसाब से बैंक डेट यहाँ पर डाल देंगे। जैसे ये वाला चेक नंबर कब आया हमारे, तो यहाँ पर हम जैसे 12 जैसे एक डमी एंट्री डाल देते हैं, जैसे 11/4/2019 ये इंटर कर देंगे, तो वो क्या ना इसी डेट में ये वाला फिक्स हो जाएगा। और अपना एज आ यहाँ पर दिख रहा है एज अ पर बैंक इतना, तो इतना यहाँ पर आ गया और इतना ही हमारा बैंक के स्टॉक स्टेटमेंट में आ गया, मतलब हमारा कहीं कुछ भी एंट्री नहीं हो, गलत नहीं हुआ, सब सही एंट्री हुआ। तो इस तरह से आप बैंक का रिकनसाइल चेक यहाँ से कर सकते हैं, प्लस चेक का एंट्री पूरा देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।